नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी की रसोई में क्या बनने वाला है। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी, जो मैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाऊंगी। उसमें क्या क्या स्टफिंग के लिए क्या क्या सब्ज़ी मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, वो सब कुछ आपके साथ मैं शेयर करूँगी। क्या क्या मसाले डालूँगी मैं, सब कुछ मैं शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, तभी आपको पता चल पाएगा कि मैं ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी हेल्दी तरीके से कैसे बनाती हूँ। तो चलिए मैं बनाने का काम शुरू करती हूँ। मैं ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैं स्टफिंग को तैयार करूँगी। इसके लिए मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च है, और लिया है मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, आधा कप के बराबर मैंने लिया है फ्रोजन मटर है ये, और एक हरी मिर्च है, 1 मीडियम साइज़ का प्याज है जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, 2 लहसुन की कलियां हैं जिसको मैंने बारीक कूट लिया हुआ है मैंने, और मसालों के लिए लिया है मैंने 1 टीस्पून धनिया पाउडर है ये, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर लिया है मैंने, और लिया है मैंने सौंठ। अगर आपके पास सौंठ के पाउडर ना हो तो अदरक भी डाल सकते हैं आप, टेस्ट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और लिया है मैंने ड्राई मैंगो आमचूर का पाउडर, हींग और नमक। तो इन सभी चीज़ों के साथ पहले मैं स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद मैं बेसन का घोल तैयार करूँगी, जो बेसन के घोल में मैं क्या क्या डालूँगी वो सब कुछ आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, तभी आपको पता चल पाएगा। मैं स्टफिंग बनाने का काम शुरू करती हूँ। मैं स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गैस को ऑन कर दिया है, इसके ऊपर कढ़ाई चढ़ा दिया है, इसमें मैंने 1 टीस्पून के बराबर तेल डाल दिया है, आप देख सकते हैं। तेल जब गर्म हो जाए तब मैं इसके अंदर डालूँगी शाह जीरा, आप भी शाह जीरा ही डालकर बनाएं। अगर शाह जीरा ना हो तो नॉर्मल जीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन शाह जीरा से जो है टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। तो मैं अब शाह जीरा डाल दूंगी। मैं जब ये जीरा क्रैकल हो जाए तब मैं इसके अंदर डालूंगी प्याज, प्याज के साथ ही मैं डाल दूंगी लहसुन को भी। प्याज जब हल्का सा भुन जाए उसके बाद मैं डाल दूंगी हरी मिर्च। किसी भी सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है मुझे। हरी मिर्च को 2-3 सेकेंड तक भूनने के बाद मैं डाल दूँगी शिमला मिर्च को। शिमला मिर्च को लगभग मैं आधा मिनट तक भूनूंगी। शिमला मिर्च आधा मिनट तक भून चुका है, अब मैं इस स्टेज पर डाल दूंगी मटर। मटर डालने के बाद मैं साथ ही मैं डाल दूंगी आलू को, जिसको मैं हाथ से ही इस तरीके से क्रैम्बल कर लूंगी, मैं तोड़ लूंगी। मैं आलू डालने के बाद मैं मसाले भी साथ ही मैं डाल दूंगी, ताकि मसाले भी भूनकर तैयार हो जाए।
आमचूर पाउडर भी डाल दूंगी मैं। सौंठ पाउडर और साथ ही मैं डालूंगी हींग। इन सभी मसालों को मैं अब अच्छी तरीके से मिला लूंगी। मसाले अच्छी तरीके से लगभग 1 से 1.5 मिनट तक इन सब्जियों को मैं मसालों के साथ भूनूंगी। भूनने के बाद मैं लास्ट में 1/2 टीस्पून के बराबर मैं गरम मसाला डालूंगी। गरम मसाला डालने के बाद मैं इसको उतार लूंगी। मैं फिर मैं बेसन का घोल तैयार करूंगी जो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। मैं मसालों को मिलाने के बाद मैं डाल दूंगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, मैंने 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है क्योंकि बेसन में भी नमक जाएगा, तो उस हिसाब से ही डालें। अब मैं इन सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरीके से मिलाते हुए मैं भून लूँगी। मैं स्टफिंग को भूनते हुए लगभग 1 मिनट हो चुका है। अब मैं इस स्टेज पे डाल दूंगी गरम मसाला। 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम गरम मसाला है, मैं इनको अब डाल दूंगी। और गरम मसाला को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। गरम मसाला को मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से मिला दिया हुआ है, अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। अब चलिए मैं ये जब तक ठंडा हो रहा है, स्टफिंग जब तक ठंडा हो रहा है तब तक मैं बेसन का घोल बनाकर तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने लिया है 4 स्पून की सहायता से मैंने लिया है, स्पून के बराबर लिया है, 4 स्पून लिया है मैंने, 4 स्पून लिया है मैंने बेसन और 1 स्पून लिया है मैंने चावल का आटा जो साइड में रखा हुआ आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें जो मसाला डालूंगी, इसमें मैं डालूंगी नमक, 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने नमक डाल दिया है, और मैं डालूंगी हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून मैं हल्दी पाउडर डालूंगी मैं, और साथ ही मैं डालूंगी लाल मिर्च पाउडर। इन सभी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से, मिर्च डालने के बाद मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और डालूंगी मैं 1 टीस्पून के बराबर मैं कसूरी मेथी डाल दूंगी। इन सभी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिला लूंगी। मिलाने के बाद मैं इसका पानी डालकर अच्छी तरीके से घोल बना लूंगी। घोल बनाकर तैयार कर लूंगी मैं। घोल बनाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने घोल को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। ना तो ये ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए, बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं स्मूथली ये गिर रहा है। अब मैं इस स्टेज पे डाल दूँगी कैरम सीड, अजवाइन, क्योंकि ऑयली फूड है थोड़ा सा ये, और डालूंगी मैं हींग। इन सभी चीज़ों को मैं मिला दूंगी अच्छी तरीके से। मिलाने के बाद मैं इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए ढक के मैं इसको 5 मिनट के लिए रख दूंगी। मैं 5 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। घोल बिल्कुल तैयार हो चुका है ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए। अब मैं इस स्टेज पर डालूंगी थोड़ा सा बेकिंग सोडा, लगभग 1 चुटकी, 1 चुटकी के बराबर मैं डालूंगी। अब मैं इस बेकिंग सोडा को अच्छी तरीके से मिला दूंगी। मैंने बेकिंग सोडा को बिल्कुल अच्छी तरीके से मिला दिया है। अब मैं ब्रेड पकौड़ा बनाना शुरू करती हूँ। मैं इसके लिए लिया है मैंने
होल मल्टीग्रेन जो ब्रेड होता है वो लिया है मैंने, आप देख सकते हैं ये हेल्दी ब्रेड होता है। वाइट ब्रेड से ना बनाए, खाने में तो वो बहुत ही अच्छा लगता है लेकिन वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो अभी जब भी बनाएं ब्राउन ब्रेड से बनाएं या फिर मल्टीग्रेन से बनाएं। तो चलिए मैं बनाना अब शुरू करती हूँ। मैं सबसे पहले मैं इस ब्रेड के ऊपर जो स्टफिंग तैयार किया था मैंने, स्टफिंग को मैं डाल दूँगी अच्छी तरीके से। स्टफिंग डालने के बाद मैं दूसरी ब्रेड से इसको मैं ढक दूँगी। अब मैं इस ब्रेड को, ये ब्रेड बिल्कुल तैयार हो चुका है पकौड़ा बनाने के लिए, और पहले से ही मैंने गैस को ऑन कर दिया था। गैस को ऑन करने के बाद मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया था। कढ़ाई चढ़ाने के बाद मैंने लगभग 1.5 टीस्पून के बराबर तेल डाला है मैंने। मैं बहुत ही कम तेल में पकौड़ा की रेसिपी को बनाऊँगी और आपसे मैं शेयर करूँगी ताकि आप भी बिल्कुल उस तरीके से ही बनाएं। अब मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से इस घोल के अंदर ब्रेड पकौड़ा को मैंने डिप कर लिया हुआ है। डिप करने के बाद मैंने इस कढ़ाई के अंदर ब्रेड को डाल दिया है, आप देख सकते हैं। जब ये एक तरफ से सिक जाए अच्छी तरीके से तब मैं इसको पलट कर दूसरे साइड से भी पका लूँगी मैं इसको। दूसरी साइड भी मैं लगभग आधा मिनट तक मैं इसको पकने दूंगी, सिकने दूंगी ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। उसके बाद मैं इसको सर्व करके मैं अपना ब्रेकफास्ट थाली भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ब्रेड पकौड़ा के साथ मैं और क्या क्या अपने ब्रेकफास्ट में लेने वाली हूं तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसको मैं आधा मिनट पकने के बाद मैं आपसे मिलती हूं। इसको पकते हुए लगभग आधा मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको कढ़ाई से बाहर निकाल लूँगी और अपना लंच थाली ब्रेकफास्ट थाली आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। मैं इसको अच्छी तरीके से तेल निकलने तक मैं इसको रख लूँगी। इसी तरीके से मैं दूसरे ब्रेड पकौड़ा को भी मैं डाल दूँगी उसी कढ़ाई में, उसी तेल में मैं डालूँगी इसको भी। अच्छी तरीके से डिप करके ही डालें। दूसरे ब्रेड पकौड़ा को ही मैं पलट कर दूसरे साइड से भी पका लूँगी मैं इसको। इस तरह से बिल्कुल थोड़े से तेल में आप ब्रेड पकौड़ा को खाकर एंजॉय ले सकते हैं। और कभी भी इस पकौड़ा की रेसिपी, ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी को बनाएं थोड़े से तेल में, तो लो फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे ही बनाएं ताकि ये अच्छी तरीके से बेसन जो है पक जाए, क्योंकि हम डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मेरा यही पर्पज रहता है कि मैं आपके साथ हमेशा हेल्दी फूड ही शेयर करूँ, हेल्दी फूड की रेसिपी ही शेयर करूँ। इसके साथ ही मैंने अपना ब्रेकफास्ट थाली तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। मैंने लिया है ब्रेड पकौड़ा, आप देख सकते कितना यम्मी दिखने में लग रहा है ये। जितना ही यम्मी है उतना ही ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, आप देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है ये पकौड़ा की रेसिपी बिना डीप फ्राई किए। और साथ ही लिया है मैंने कुछ आमंड लिए हुए हैं जिसको मैंने रात में भिगो दिया था, भिगोने के बाद मैंने छील लिया है। और लिया है मैंने वाटरमेलन जूस, तरबूजे का जूस जो होता है वो मैंने लिया है। तो इस तरीके से मैंने अपना ब्रेकफास्ट की थाली को तैयार किया है, आप देख सकते हैं। ब्रेड पकौड़ा के साथ, हेल्दी ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी के साथ मैंने अपना ब्रेकफास्ट थाली कंप्लीट कर लिया है। अब मैं अपना ब्रेकफास्ट लेने जा रही हूँ, ब्रेकफास्ट को एंजॉय लेने जा रही हूँ। आप भी प्लीज़ इसी तरीके से अपना ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी बनाएं और अपना ब्रेकफास्ट थाली बिल्कुल इस तरीके से ही बनाएं और खाएं और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।